शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार में बाढ़ का हवाई निरीक्षण करने के बाद बाढ़ राहत के लिए 500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। भारी बाढ़ से बिहार में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। 400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग प्रभावित हैं। RJD ने राहत की रकम को बहुत कम बताया है। बाढ़ की चपेट में आने से मरने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान बाढ़ की चपेट में आने से 39 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ से मरने वालों की संख्या अब 418 तक पहुंच गई है। बिहार में 1.67 करोड़ से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित जिलों में लगातार सेना और NDRF की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। साथ ही पंजाब के भटिंडा से 4 NDRF की टीमों को पटना भेजा गया है। प्रधानमंत्री शनिवार सुबह पूर्णिया पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी से मिलने के बाद उन्होंने बाढ़ग्रस्त सीमांचल क्षेत्र जैसे किशनगंज, अरारिया और कटिहार का हवाई सर्वेक्षण किया और 500 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया। नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री को आश्वासित किया कि राहत कार्यों की भरसक कोशिश की जाएगी और केंद्र पूरी सहायता करेगा। लालू प्रसाद यादव ने मोदी के इस दौरे को ड्रामा बताते हुए इस पर सवाल उठाए। बाढ़ अपने से नहीं लाया, बाढ़ को लाया गया, इसके लिए जांच होगी, जांच हम लोग करवाएंगे, लड़ेंगे। पहले बिहार में जो भीषण बाढ़ आया तो मोदी जी आना भी मुनासिब नहीं समझे, एक पैसा का मदद भी नहीं किया। लालू के बेटे और RJD नेता तेज प्रताप यादव ने अपने ट्वीट में कहा कि उन्हें केंद्र से कम 10,000 करोड़ की उम्मीद थी। इतनी भारी त्रासदी के बाद राहत कोष के नाम पर सिर्फ 500 करोड़ की पैकेज की कई विपक्षी नेता आलोचना कर रहे हैं। इसके पहले राज्य में 2008 में कोसी नदी में बाढ़ आई थी। इससे करीब 5 जिलों के 1000 गांवों में 30 लाख लोग प्रभावित हुए थे, जिसमें से करीब 10 लाख लोग बेघर हुए। इस बाढ़ में कुल नुकसान करीब 880 करोड़ का था। उस समय भारत सरकार ने राज्य को राहत कार्य के लिए 1,010 करोड़ रुपए दिए थे। 2017 की ये बाढ़ बिहार में कई सालों में सबसे ज्यादा खराब रही। राज्य के करीब 15 जिले पूर्णिया और चंपारण समेत बुरी तरह से प्रभावित हुए और करीब 7 लाख लोग प्रभावित हुए। पानी का स्तर अब लगातार गिर रहा है, पर अभी भी कुल नुकसान के अनुमान नहीं लगाए जा सकते हैं। साधिका तिवारी, गो न्यूज़।